राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर एमपी के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने टिप्पणी की। परमार ने कहा कि कांग्रेस चुनाव जीतने के लिए भगवान के दर जाने की नौटंकी कर रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस को अब समझ आ चुका है कि भगवान के बिना कुछ भी नहीं है, इसलिए अपनी चुनावी आस्था दिखाने की कोशिश में कांग्रेस लगी हुई है, भगवान के दर जाने की नौटंकी कर रही है। भगवान कभी भला नहीं करेंगे कांग्रेस का। राहुल गांधी को यात्रा निकालनी है तो निकालते रहें। परमार ने कहा, बीजेपी सभी को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। बीजेपी ने सभी वर्गों के महापुरुषों को सम्मान देने का काम किया है। मामा टेंटा भील के नाम का विश्वविद्यालय बनाने का काम भी हमने किया, इसलिए भाजपा के खाते में अधिक से अधिक लोकसभा सीटें इस बार आएंगी। जनता के जाने को, लेकिन भगवान भी जानते हैं और वो भी जानते हैं कि हमारा भला नहीं होने वाला, भगवान उनका भला नहीं करने वाले हैं। ये राहुल गांधी सब जानते हैं, लेकिन राजनीतिक कार्यक्रम करने का उनका अधिकार और कांग्रेस जितना करे कर ले, कौन रोक रहा उनको। भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी के साथ में, अपने कैडर के साथ में, जनता में विश्वास के साथ में लोकसभा चुनाव में उतरेगी और एनडीए 400 से ऊपर सीट लाने वाला है, हम सब सामने दिख जाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश में भी और मध्य प्रदेश में भी सभी वर्गों के महापुरुषों को सम्मान देने का काम किया है। जिन अंग्रेजों ने हमारे लोगों की हत्या की थी और उनके शरीर को जंगलों में फेंक दिया था, ऐसे टांटा मामा का भी हमने सम्मान करने का काम किया और अभी उनके नाम से एक विश्वविद्यालय स्थापित किया है, जगह जगह पर उनके स्टैचू लगाए हैं। चाहे आदिवासी समाज हो, चाहे अन्य महापुरुष हो, सब वर्गों के महापुरुषों को सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी और भारत की परंपरा, भारत के शौर्य पराक्रम को प्रदर्शित करने का इतिहास भी फिर से बच्चों को पढ़ाने का काम हमारी सरकार करेगी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।